खबर चतरा से, जहां टीपीसी के सब जोनल कमांडर ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले 5 लाख के इनामी नक्सली का नाम उदेश गंजू है। एसपी ऋषभ झा के दबाव में उदेश ने सरेंडर किया है। चतरा पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है। 2 लाख का इनामी नक्सली उदेश ने सरेंडर कर दिया है और बताया जा रहा है कि पुलिस के दबाव में उसने ऐसा किया है। टीपीसी का सब जोनल कमांडर ये है और बड़ी सफलता है। इस पर 5 लाख रुपए के इनाम भी थे। फिलहाल जो इससे जानकारियां और मिलेंगी, इससे कई और सफलता मिल सकती है। चतरा से सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। संजय, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, भले ही दबाव में सरेंडर किया हो, लेकिन पुलिस के लिए राहें आगे आसान होंगी इससे नक्सलियों के खिलाफ। हाँ सर, मैं बता दूं कि चतरा के लिए आज बड़ी सफलता है, क्योंकि जो 6 लाख का इनामी राशि जो था सरकार द्वारा घोषणा किया गया था उन पर, की 5 लाख का उन पर इनाम है, और जिसको लेकर के जो पुलिस और नक्सली के बीच में हमेशा यहाँ मुठभेड़ भी होते रहा है, और नक्सली पर हमेशा दबाव बनाए रखे चतरा एसपी ऋषभ झा ने, और उसी का आज ये फलस्वरूप आया कि आज एक नक्सली उद्देश गंजू जो है वो पुलिस के सामने सरकार की नीति के चलते उन्हें आत्मसमर्पण किया, और उन्होंने एक हथियार के साथ और करीब 150 राउंड गोली के साथ उन्होंने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया, और उसमें जो थे अभियान एसपी यहाँ निगम प्रसाद थे, और उसके अलावा उनके साथ में वंशज एक अधिकारी है वो भी साथ में थे, और उनके सामने समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसको लेकर के पुलिस ही मैंने ज्यादा प्रसन्न नजर आए। साथ में नक्सली जो थे जो उद्देश्य वो भी काफी प्रसन्न थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से पार्टी जो है संगठन जिस तरह से हम लोग को लाल लालच दे करके संगठन में शामिल करते सम्मिलित करता है, लेकिन संगठन द्वारा जो भी हमारे साथ जो उनके साथ जो बात होती है वो बात पर अमल नहीं होता है, और जो उनका उद्देश्य होता है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। पुलिस के विरोध में हमेशा हम लोग गोली चलाए और पुलिस के लिए हमेशा उनका खून का प्यासा बने रहे, लेकिन जिस तरह से सम्मान आज पुलिस द्वारा मुझे मिला गया है वो सम्मान आज तक नक्सली संगठन द्वारा नहीं मिला था, और सरकार को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, जो हेमंत सरकार है जो उन्होंने कहा जो वो जो उनकी आत्मसमर्पण नीति है वो काफी अच्छा नीति है, जो नक्सली जो भटके हुए हैं वो भटके हुए रास्ते से आकर के सरकार के साथ आ जाए, पुलिस प्रशासन के साथ आ जाए, और अपनी जो जिंदगी वो अच्छे से गुजर बसर करे, और जिसको लेकर वो भी काफी प्रसन्न था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम मुख्यधारा में जुड़ करके समाज का सेवा करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के साथ मिलजुल करके रहेंगे, क्योंकि वो जो नक्सली संगठन है बंदूक से कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता है, हम लोग मिलजुल करके विकास कार्य करेंगे, और जिसको लेकर के नक्सली और उनके परिवार के नाम पर चतरा एसपी ने पहले उन्हें गुलदस्ता दे करके उनका अभिनंदन किया, उसके बाद जो है नक्सली को उन्होंने एक 5 लाख का चेक भी दिया जो सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत, और जो नक्सली जो आए तो वो हथियार के साथ सरेंडर किया गया, और उन्होंने 150 राउंड गोली भी दिया गया, एसपी के सामने समर्पण किया। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी है अगर इस तरह आत्मसमर्पण जो नीति है उसका फायदा उठाते रहे जो भटके हुए हैं, मुख्यधारा में वापस लौटते हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी और पुलिस के लिए कुछ नहीं।